ये है एक्सरसाइज नंबर 4.2, क्लास 7th है। सॉल्व द ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है 7x मल्टीप्लाई 5x2। जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 7x की पावर 1 है मल्टीप्लाई 5x की पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे कॉफिशियंट है इन सबको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। जब वे सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। सॉरी, ये बात सभी को पता है। तो 7 5 का 35 मल्टीप्लाई एक्स, ये एक्स की पावर 1 है, ये होगी एक्स ब्रैकेट में एक्स की पावर 1 प्लस 2। 1 और 2 कितने हो जाएंगे बेटा, 3। 35x की क्यूब, ये हो गया आपका आंसर। इसी का ही फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, 5/7x की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस के 28/45x की पावर 4। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉफिशियंट को एक साथ कर लेंगे, वेरिएबल को एक साथ। कॉफिशियंट क्या है, 5/7 मल्टीप्लाई माइनस के 28/45 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 है। 5 से जब हम डिवाइड करेंगे 45 को, तो 5 बन जा 5, 5 9 जा 45, 7 बन जा 7, 7 4 जा 28। तो यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर माइनस के 4 है, तो माइनस हमने आगे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर 1 है मल्टीप्लाई 9 है मल्टीप्लाई। यहाँ पर जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड होती है, आप सभी की बात पता है। बेस यहाँ पर एक्स है, पावर है 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 हो जाएगा 7, 4 बन जा 4 माइनस के 9 बन जा 9। That's answer. देखो मैंने क्या करा है कि क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चंस कर दिए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपकी जो एक्सरसाइज है 4.2, उसमें पहले क्वेश्चन में टोटली 4 मतलब 8 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है बेटा, 8। मैंने जिसमें से आपको दो क्वेश्चंस करा के बता दिए हैं, इसी के पैटर्न से हैं। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट में एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर डाल के बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन की। ये भी 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 6th क्वेश्चन है, जो हम माइनस के 8/5 ए की क्यू बी सी मल्टीप्लाई 15/16 ए बी सी स्क्वायर। जब करेंगे माइनस के 8/5 मल्टीप्लाई 15/16 ए की क्यू मल्टीप्लाई बी की 1 मल्टीप्लाई सी की 1 मल्टीप्लाई ए की 1 मल्टीप्लाई बी की 1 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। हमने सभी की पावर्स लिख ली हैं ताकि हमें आगे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर हम डिवाइड कर देखते हैं। देखो 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, माइनस के 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब जितने भी हमारे ये वेरिएबल्स हैं इनको एक साथ कर लेते हैं, ए को ए के साथ, बी वालों को बी के साथ और सी वालों को सी के साथ। ए की 3 मल्टीप्लाई ए की 1, सॉरी यहाँ से बी की 1, तो यहाँ से बी की 1 मल्टीप्लाई सी की 1 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। 3 बन जाए 3 माइनस के 2 बन जाए 2, 3 और 1 4, 1 1 2, 2 और 1 3, माइनस के 3/2 मल्टीप्लाई ए की पावर 4 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस के 3/2 ए की पावर 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो भी बात एक ही है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये है लास्ट क्वेश्चन 4.2 के एक्सरसाइज का। सेकंड में दो क्वेश्चंस हैं, मैंने एक करके बता रहा हूँ, एक लोग आप कर लोगे, नहीं होता है तो कमेंट में बता देना, मैं वो भी सॉल्व करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड सिंपलीफाई है। क्वेश्चन नंबर 1 है ए की पावर 7 मल्टीप्लाई ए की पावर 10 मल्टीप्लाई ए की पावर 3। हमको पता है जब बेस सेम है, सभी का बेस क्या है बेटा, ए ए ए, तो सेम जब होते हैं तो पावर क्या होती है, सभी को ऐड करा जाता है। ये है ए 7 प्लस 10 प्लस 3, हमने सभी की पावर को ऐड कर दिया है, तो 10 और 7 या 7 और 10 17 3 20। दैट्स माय आंसर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।